नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में है। अरे हम लोग जिंदा हैं। पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है। गिल, ये जो टेक्निक है किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ? नो सर, भारत में पहली बार होगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मिशन रानीगंज के ट्रेलर रिव्यू के बारे में। दोस्तों, अक्षय कुमार की मोस्ट एक्साइटेड फिल्म मिशन रानीगंज के ट्रेलर को फाइनली 25th of September 2023 को फिल्म के मेकर्स के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर में आपको सब कुछ देखने को मिल रहा, इमोशंस, ड्रामा, इंस्पिरेशन, फिल्म में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फिल्म मिशन रानीगंज एक रेस्क्यू थ्रिलर रानीगंज कोल्ड फील्ड पर बनी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। दोस्तों, फिल्म के टीजर को जब से रिलीज किया गया था, फिल्म सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा का विषय बन गई थी। अक्षय कुमार के फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर को फाइनली रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर तो और भी रोचक और दमदार लग रहा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह से सरदार जसवंत सिंह ने अपनी जान को जोखिम में डालकर 65 फीट नीचे फंसे सारे मजदूरों की जान बचाई थी। फिल्म में अक्षय की एंट्री काफी धांसु है। फिल्म 6th of October 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर काफी पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा। दोस्तों, अक्षय कुमार के फैन फिल्म मिशन रानीगंज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर काफी धांसु है। फिल्म के ट्रेलर के ऊपर दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तमिल की सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 47 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फिल्म जेलर फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अपने ऐतिहासिक डे 50 कलेक्शन को पूरे करने वाली है। फिल्म को 10th of August 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। देखते देखते फिल्म के आज 47 डेज पूरे हो चुके हैं और फिल्म का टोटल डे 47 तक आते आते टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 662 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म अपने स्टेट तमिलनाडु से 274 करोड़ ग्रॉस, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 84 करोड़ ग्रॉस, केरला से 56 करोड़ ग्रॉस, तो वही फिल्म का कर्नाटका से 73 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फिल्म जेलर तमिल की पहली फिल्म है जिसने कर्नाटका में 70 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई की है। फिल्म जेलर के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 200 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फिल्म थिएटर्स में तो मौजूद है ही, लेकिन फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर 7th of September 2023 से स्ट्रीम हो चुकी है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने बड़े पर्दे पर मिस किया है तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर के फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सनी देओल एंड अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 46 के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 46 की, तो देखते देखते फिल्म गदर 2 के डे 46 कलेक्शन पूरे हो चुके हैं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 46 की बात करें तो फिल्म ने अपने डे 46 के अंदर 55 लाख की कमाई की। इसी के साथ फिल्म गदर 2 का फ्रॉम डे 46 तक आते आते टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 524 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है, तो वही फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 688 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म गदर 2 को ओवरऑल 80 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग सनी देओल के सैलरीज को मिलाकर। फिल्म गदर 2 दोस्तों ऐतिहासिक अपने डे 50 कलेक्शन को पूरे करने वाली है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म OMG 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 46 के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 46 की, तो फिल्म का फ्रॉम डे 46 तक आते आते टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 153 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है, तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 230 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म OMG 2 को ओवरऑल 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। दोस्तों, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज सक्सेस मिली है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने अभी तक मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं द ग्रेट इंडियन फैमिली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे विकी कौशल एंड मार्सी चिलर स्टारर फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की, तो फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। फिल्म के महज डे 4 कलेक्शन ही पूरे हुए हैं और फिल्म कमाई करने के मामले में पूरी तरह से डाउन नजर आ रही है। फिल्म के डे 4 कलेक्शन की बात करें तो फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर
ओनली 45 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली का फ्रॉम डे 4 तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 5.75 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर सकी है। दोस्तों फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 55 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेगा जो का हाल फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।